हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इस मास्टर ऑफिस क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस मास्टर ऑफिस क्यूब को हम लोग पैरामॉर्फिक क्यूब और पिरामिड क्यूब भी बोलते हैं। तो ये जो मास्टर ऑफिस क्यूब है, ये इस 3x3 क्यूब का शेप मॉड है। मतलब इस मास्टर ऑफिस क्यूब को हम लोग बिल्कुल वैसे सॉल्व करते हैं जैसे हम लोग इस 3x3 क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये 3x3 क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है, तो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, इसके बारे में पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अच्छा, ये जो मास्टर ऑफिस क्यूब है, ये दो प्लेन पे लाई करता है। अच्छा, दो प्लेन पे लाई करता है, इसका क्या मतलब है कि इसमें जो हम लोग मूवमेंट्स करते हैं वो हाफ पोजीशन पे करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसमें आर मूव करेंगे, मतलब इससे अगर राइट फेस को मूव करेंगे, तो हम लोग इसे हाफ पोजिशन पर मूव करेंगे। आर का मतलब इसमें ये नहीं होगा कि हम लोग इसे आर को पूरा मूव करेंगे, मतलब आर को हम लोग इसमें सिर्फ हाफ मूव करेंगे। तो क्योंकि ये क्यूब जो है ये दो प्लेन पे लाई करता है, तो अगर आर मूव करेंगे तो ऐसे हाफ पोजीशन पे करेंगे, और जैसे अगर एल मूव करेंगे तो ये भी ऐसे हाफ पोजीशन पे करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोग मूवमेंट्स इसमें करेंगे ये सब हाफ पोजीशन पे करेंगे। तो चलिए, इसके कुछ पीसेस के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, इसमें ये जो पीसेस आप देख रहे हैं, ये हमारे सेंटर पीसेस हैं। जैसे ये पीस हो गया, ये पीस हो गया, ये पीस हो गया, तो ये हमारे सेंटर पीसेस हैं। ये एकदम फिक्स पीसेस, ये मूव नहीं करते हैं। और ये जो आप थ्री कलर्स वाले पीसेस देख रहे हैं, तो ये हमारे कॉर्नर पीसेज हैं। और ये जो आप ट्रेपेजियम साइज पीसेस देख रहे हैं, ये जितने भी ट्रेपेजियम साइज पीसेज हैं, तो ये हमारे इसमें ये एच पीसेज हैं। और ये जो छोटे वाले ट्राइंगल पीसेज जो हैं, ये पीसेज जो हैं, तो ये हमारे कॉर्नर पीसेज हैं। तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर दिया है। तो इस क्यूब में भी हम लोग बिल्कुल वही स्टेप्स और वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम लोग 3x3 क्यूब में फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक क्रॉस बनाएंगे। तो क्रॉस बनाने के लिए पहले हम लोग एक सेंटर पीस चूज़ कर लेंगे और उस पर हम लोग एक क्रॉस बनाएंगे। तो चलिए, मैं जैसे ये वाला सेंटर पीस ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा ये येलो और यहाँ पर ग्रीन कलर है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ग्रीन है, तो ऐसे हमें यहाँ पर एक ग्रीन पीस लगाना है और ऐसे हमें एक यहाँ पर ग्रीन पीस लगाना है, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ यहाँ पर ये येलो कलर है, तो ऐसे हमें एक यहाँ पर ये येलो पीस लगाना है और एक यहाँ पे येलो पीस लगाना है। तो अब देखते हैं ऐसे पीसेस कहाँ पर हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा ग्रीन पीस है, तो अब देखेंगे ये ग्रीन पीस यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये ग्रीन पीस इसके साथ ऐसे मैच हो गया, और बाकी कोई पीस देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए, जैसे ये हमारा ग्रीन पीस है, तो इस ग्रीन पीस को हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसको जैसे हम लोग ऐसे ऊपर ले आएंगे, तो देखिए ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया। अब हमें येलो वाले पीसेस को लगाना है। जैसे हमें यहाँ पर एक येलो जैसे हमें यहाँ पर एक येलो एच पीस लगाना है और एक हमें यहाँ पर ये येलो एच पीस लगाना है। तो अब देखते हैं कि ये येलो एच पीस कहाँ पर है। देखिए, एक हमारा ये येलो एच पीस है और एक ये येलो एच पीस है। तो अब देखते हैं ये इन पोजिशन पर मैच कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, जैसे हमारा ये येलो एच पीस है, तो देखिए इसको हम लोग जैसे यहाँ पर ऊपर ले आएंगे, तो देखिए ये येलो से येलो मैच हो गया। अब हमारा एक ये येलो एच पीस बचा, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस टॉप लेयर को ऐसे यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो इस येलो को हमें यहाँ पे लगाना है, तो इसको इस पीस को हम लोग यहाँ पे लाएंगे। तो देखिए ये येलो से येलो भी मैच हो गया। तो अब ये जितने भी आप एच पीसेस देख रहे हैं, ये सब अपने इस कलर के साथ मैच हो गए। जैसे ये येलो पीसेस जो हैं, ये येलो के साथ मैच हो गए, और ये जो ग्रीन एच पीसेस हैं, ये ग्रीन के साथ मैच हो गए। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये जो येलो एच पीसेस हैं, ठीक है, तो हमें इनको इनके सेंटर पीस साथ मैच करना है। और जैसे यहाँ पर ये ग्रीन एच पीसेस हैं, तो इनके ग्रीन सेंटर पीस साथ मैच करना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो येलो एच पीसेस हैं, तो इनके येलो सेंटर पीसेस कहाँ पर है, ये हमारे येलो सेंटर पीसेस हैं और ये हमारे ग्रीन सेंटर पीसेस हैं। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इन पीसेस को करेक्टली मैच करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हमारा येलो पीस है, तो इसको इस सेंटर साथ जैसे मैच करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इस येलो एच पीस को ऐसे ऊपर ले आएंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ऊपर ले आएंगे, अब इसको हम लोग ऐसे नीचे कर देंगे और इस पीस को ऐसे यू मूव नीचे ले आएंगे। अब इस पीस को हम लोग ऐसे इसके साथ मैच कर देंगे और इस पीस को वापस यहाँ पे ले आएंगे। तो देखिए, ये पीस जो है ये अपने सेंटर साथ ऐसे मैच हो गया। अब यहाँ पर हमें इस येलो को इसके येलो सेंटर पीस के साथ मैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस येलो एच पीस को ऊपर ले आएंगे, ऐसे हम लोग इसको ऊपर ले आए। अब इस पीस को जैसे हम लोग नीचे ले जाएंगे और इस सेंटर पीस को ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब इस येलो को हम लोग इस येलो साथ ऐसे मैच कर देंगे
और इस पीस को वापस इसी पोजीशन पे लगा देंगे। तो देखिए ये वाला भी येलो अपने सेंटर के साथ मैच हो गया। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन ग्रीन के सेंटर के साथ मैच हो रहा है। अब हमें इस ग्रीन को इस ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस ग्रीन पीस को ऐसे ऊपर ले आएंगे, ठीक है। अब इस ग्रीन को हम लोग ऐसे नीचे कर देंगे और ये जो हमारा ग्रीन सेंटर पीस है तो इसको हम लोग ऐसे ऊपर ले आएंगे। इसको हम लोग ऐसे ऊपर ले आए, देखिए ऊपर ले आए। अब ये जो ग्रीन पीस है तो इसको ग्रीन के साथ ऐसे मैच कर देंगे और इस पीस को वापस इसी पोजीशन में लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा एक क्रॉस बन गया। देखिए ये जितने भी पीसेज हैं ये सब अपने सेंटर पीस के साथ मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने अपना क्रॉस कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस क्रॉस को बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट लेयर बनानी है। तो फर्स्ट लेयर में हमें क्या करना है, फर्स्ट लेयर में हमें कॉर्नर पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन में लगाना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर पीस लगेगा और यहाँ पर हमारा एक कॉर्नर पीस लगेगा, तो हमें इन दोनों पोजीशन पर करेक्ट कॉर्नर पीसेस को लगाना है। और हमें क्या करना है इस स्टेप में कि यहाँ पर ये जो छोटे वाले ट्राइंगल पीसेज हैं उनको लगाना है। जैसे यहाँ पर हमें येलो ट्राइंगल पीस लगाना है और यहाँ पर हमें ग्रीन ट्राइंगल पीस लगाना है। तो जैसे हमें यहाँ पर कॉर्नर पीस लगाना है तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉर्नर पीस आएगा, यहाँ पर हमारा एक ऐसा कॉर्नर पीस आएगा जिसमें हमारा ग्रीन येलो और ब्लू कलर हो। तो देखते हैं ऐसा कॉर्नर पीस कहाँ पर है। देखिए ये हमारा ऐसा कॉर्नर पीस है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो अब हमें जहाँ पर कॉर्नर पीस को लगाना है तो उसको हम लोग टॉप पर रखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर कॉर्नर पीस को लगाना है तो इसको हम लोग टॉप पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो वाला पीस है जो हमें यहाँ ऊपर लगाना है। तो अब हम लोग एक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो जिससे क्या होगा ये पीस अपनी इस करेक्ट पोजीशन पर लग जाएगा। तो चलिए वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पर लग गया। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक करेक्ट कॉर्नर पीस को लगाना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कॉर्नर पीस लगेगा, यहाँ पर हमारा एक ऐसा कॉर्नर पीस लगेगा जिसमें हमारा ग्रीन रेड और येलो कलर हो, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कॉर्नर पीस कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारा ये है ऐसा कॉर्नर पीस, तो इसमें हमारा रेड येलो और ग्रीन पीस है, सॉरी ग्रीन कलर है। तो इस कॉर्नर पीस को हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम लोग फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो जिससे क्या होगा ये पीस अपने इस करेक्ट पोजिशन पर आ जाएगा। तो चलिए फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो अब हम लोग ये एल्गोरिथम तब तक करते रहेंगे जब तक ये पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पर ना लग जाए, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये पीस भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर लग गया। अब इसके बाद ये जो छोटे वाले ट्राइंगल पीसेज हैं हमें यहाँ पर इन ट्राइंगल पीसेस को लगाना है। जैसे यहाँ पर हमें एक ग्रीन ट्राइंगल पीस लगाना है और यहाँ पर हमें एक येलो ट्राइंगल पीस लगाना है। तो देखिए जैसे हमें यहाँ पर ग्रीन ट्राइंगल पीस लगाना है तो अब देखते हैं ग्रीन ट्राइंगल पीस कहाँ पर है। देखिए ये ग्रीन ट्राइंगल पीस यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस ग्रीन ट्राइंगल पीस को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर कर देंगे, उसको यहाँ से हटा देंगे और इसको हमने ऐसे नीचे कर दिया। तो देखिए ये ग्रीन ट्राइंगल पीस ये ऊपर आ गया, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस पीस को हमें यहाँ पे लगाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले इस पीस को ऐसे यहाँ से दूर ले जाएंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे ऊपर कर देंगे और इसको वापस इस पोजीशन में लाएंगे, फिर इसको नीचे कर देंगे। तो देखिए ये ग्रीन ट्राइंगल पीस यहाँ पर लग गया। अब इसके बाद हमें येलो ट्राइंगल पीस यहाँ पर लगाना है। तो देखते हैं येलो ट्राइंगल पीस कहाँ पर है, ये हमारा येलो ट्राइंगल पीस है, तो इसको हमें यहाँ पर लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को हम लोग ऐसे यहाँ से दूर ले जाएंगे और फिर इसको ऊपर कर देंगे और इस पीस को यहाँ पर ले आएंगे, फिर इसको नीचे कर देंगे। तो देखिए ये हमारा येलो ट्राइंगल पीस भी लग गया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने अपनी फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली, अब हमें सेकंड लेयर बनानी है। तो सेकंड लेयर में हमें क्या करना है, सेकंड लेयर में हमें एच पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पर लगाना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमें एक येलो एच पीस लगाना है, यहाँ पर हमें एक रेड एच पीस लगाना है और यहाँ पर हमें एक ग्रीन एच पीस लगाना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमें एक ग्रीन एच पीस लगाना है तो देखिए ग्रीन एच पीस कहाँ पर है, देखिए ये हमारा ग्रीन एच पीस है। तो देखिए इस ग्रीन एच पीस में ये वाली साइड है ये लॉन्गर साइड है और ये वाली साइड है शॉर्टर साइड है।
तो इस पोजीशन पे जो ग्रीन एच पीस लगेगा, ठीक है, तो उसकी जो शॉर्टर साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी। देखिए ये जो ग्रीन एच पीस है तो इसमें ये वाली जो शॉर्टर साइड है ये नीचे की तरफ रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शॉर्टर साइड को इसकी इस पोजीशन से दूर ले जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग इस पीस को, इस छोटे वाले ट्राइंगल पीस को इसकी इस पोजिशन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने इस पीस को यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब इस पीस को हम लोग वापस यहीं पे ले आएंगे, इस पोजीशन पे ले आएंगे। अब इसको हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग 3x3 क्यूब में फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारा एक ग्रीन कलर है, तो हम लोग इस ग्रीन को इस ग्रीन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब ये वाला जो पूरा ग्रीन पीस है इसको इस ग्रीन के साथ ऐसे मैच कर देंगे, और ये पूरा जो ग्रीन वाला पोर्शन है तो इसको हम लोग इस ग्रीन वाले पोर्शन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये ग्रीन एच पीस भी लग गया। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक येलो एच पीस लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो येलो एच पीस है तो ये गलत पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, ये सही से लगा नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसको यहाँ से बाहर निकालना है। तो पहले हम लोग इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। हमने इसको ऐसे यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो इसको, इस पीस को यहाँ पर लगाने से पहले हमें ये जो येलो वाला ट्राइंगल पीस है इसको पहले लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो येलो वाला पीस है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग इधर अपोजिट ले जाएंगे और इस फेस को ऐसे ऊपर कर देंगे, और ये जो येलो है अब इसको यहाँ पर ले आएंगे। तो देखिए ये हमारा येलो यहाँ पर लग गया। अब हमें इस येलो पीस को यहाँ पर लगाना है। तो देखिए ये जो येलो एच पीस है तो इसमें ये वाली साइड है ये लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर साइड है। तो यहाँ पर जो येलो एच पीस लगेगा तो इसमें जो स्मॉलर साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी, ये जो स्मॉलर साइड है ये नीचे की तरफ लगेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्मॉलर वाली साइड है इसको इस पोजीशन से अपोजिट ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग इस पोजीशन से इसके अपोजिट में ले गए। अब इसके बाद ये जो छोटा वाला पीस है, छोटा वाला ट्राइंगल येलो येलो एच पीस जो है इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब ये जो येलो पीस है इसको वापस यहीं पे ले आएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बिल्कुल अभी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग फर्स्ट लेयर में सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ पर येलो येलो पीस है तो इस येलो को हम लोग इस येलो के साथ ऐसे मैच कर देंगे, और ये जो येलो वाला पीस है पूरा तो इसको इस येलो के साथ ऐसे मैच कर देंगे। अब इस येलो वाले पोर्शन को इस येलो वाले पोर्शन के साथ ऐसे मैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा येलो एच पीस भी लग गया। अब ऐसे हमें यहाँ पर एक रेड एच पीस लगाना है। तो देखिए ये हमारा रेड एच पीस है, तो इस रेड एच पीस में ये हमारी लॉन्गर साइड है और ये हमारी शॉर्टर साइड है। तो यहाँ पर जो हमारा रेड एच पीस लगेगा तो उसमें जो लॉन्गर साइड है वो नीचे की तरफ रहेगी, ये जो लॉन्गर साइड है ये नीचे की तरफ रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लॉन्गर साइड को इस पोजीशन से अपोजिट में ले जाएंगे। ठीक है, हम लोग अपोजिट पोजीशन में ले गए। अब इसके बाद ये जो कॉर्नर पीस है इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने इस पीस को यहाँ से बाहर की तरफ निकाल लिया, और अब इस पीस को हम लोग वापस इसकी इसी पोजीशन में ले आएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर पीस है तो देखिए यहाँ पर येलो के बगल में हमारा रेड कलर है, तो हम लोग रेड को रेड के साथ ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, हमने रेड को रेड के साथ ऐसे मैच कर दिया। अब फिर हम लोग इस रेड के साथ ऐसे मैच कर देंगे। ठीक है, अब इस रेड को रेड के साथ ऐसे मैच कर दिया। अब ये जो पूरा येलो वाला पोर्शन है इसको ऐसे यहाँ पर हमने मैच कर दिया। तो देखिए अभी जितने भी हमारे ये एच पीसेज हैं ये सब अपनी करेक्ट पोजीशन पर लग गए। तो ये हमारी दो लेयर्स कंप्लीट हो गई। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हमने अपनी दो लेयर्स कंप्लीट कर ली हैं। तो जब हम लोगों ने अपनी दो लेयर्स कंप्लीट कर ली है तो यहाँ हमें ऊपर टॉप पर एक क्रॉस बनाना है। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल वैसे ही क्रॉस बनाएंगे जैसे हम लोग इस 3x3 क्यूब में क्रॉस बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एक क्रॉस बना है टॉप पर, तो ऐसे हमें इस क्यूब में भी टॉप पर एक क्रॉस बनाना है। तो क्रॉस बनाने से पहले हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे, कोई एक ऐसा एच पीस देखेंगे जो अपनी पोजिशन पर मैच कर रहा हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लू वाला एच पीस है ये अपनी इस पोजीशन पर मैच कर रहा है। तो ये इस पीस को हम लोग क्या करेंगे, इस पीस को हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और ये एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू स्क्वायर आर प्राइम। तो देखिए अभी भी हमारे ये जो वाले पीसेज जो हैं ये अपने करेक्ट पोजीशन पर नहीं लगे हैं, अभी हमारा सिर्फ यही पीस अपने करेक्ट पोजीशन पर है। तो इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और फिर से वही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू स्क्वायर आर प्राइम। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये टॉप पर एक क्रॉस बन गया, तो हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमने अपना क्रॉस कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें कॉर्नर पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पर लगाना है। देखिए
जैसे देखिए यहाँ पर हमें एक करेक्ट कॉर्नर पीस लगाना है, यहाँ पर हमें एक करेक्ट कॉर्नर पीस लगाना है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा ये जो रेड वाला कॉर्नर पीस है ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक ग्रीन कॉर्नर पीस, ये यहाँ पर हमें एक ग्रीन ट्राइंगल पीस को भी इसकी करेक्ट पोजिशन पर लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो रेड पीस जो अपनी करेक्ट पोजिशन पर लगा हुआ है तो इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और एक एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि ये वाला जो ग्रीन पीस है तो ये अपनी इस करेक्ट पोजिशन पर आ जाएगा। तो चलिए पहले वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। तो देखिए यहाँ पर जैसा हमारा ये रेड वाला पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पर लगा है तो ऐसे यहाँ पर हमारा ये वाला पीस भी अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया, और ये वाला कॉर्नर पीस भी देखिए हमारा अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया। अब हमें यहाँ पर इस कॉर्नर पीस को करेक्ट मतलब फ्लिप करना है, करेक्टली फ्लिप करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे तो जिससे ये वाला जो पीस है ये करेक्टली फ्लिप हो जाएगा। तो चलिए वो एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये पीस अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो क्यूब है ये मैसअप हो गया। यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो ट्राइंगल वाले पीसेज हैं ये देखिए बिल्कुल इक्विलेटरल पीसेज हैं, मतलब ये कहीं से भी फिक्स हो जाते हैं, कहीं पर भी कहीं से भी लग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग या तो इस पीस को या इस वाले ट्राइंगल पीस को यहाँ पर इस फ्रंट पोजिशन में ले आएंगे। जैसे यहाँ पर ये जो ब्लू वाला पीस है तो इसको हम लोग पहले अपने फ्रंट पोजिशन में आएंगे और फिर से ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए अभी भी हमारा ये क्यूब जो है मैसअप है, तो हम लोग फिर से मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो रेड वाला पीस है तो अब इसको हम लोग अपने फ्रंट में ले आएंगे और फिर से ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए अब हमारा ये क्यूब जो है कंप्लीट हो गया। तो अब ये एक केस और है, तो यहाँ देखिए इन दोनों कॉर्नर्स को हमें करेक्टली फ्लिप करना है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर अपनी करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, ठीक है, ये करेक्टली फ्लिप नहीं हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे तो जिससे ये दोनों कॉर्नर्स अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे। तो चलिए वो एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं, आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये वाला पीस अपने करेक्ट पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पर हमें इस वाले पीस को करेक्ट पोजीशन पर मतलब करेक्टली फ्लिप करना है, तो इस पीस को हम लोग यहाँ पर अपने फ्रंट में ले आएंगे और फिर से ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो देखिए ये हमारा क्यूब कंप्लीट हो गया। तो अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।